हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो ऑफ लेसन नंबर फर्स्ट वी हैव सीन दैट नैरेटर ऑफ द स्टोरी बॉट वन रोल टॉप डेस्क एंड दैट वॉज इन ई रिपेयर कंडीशन बट अदर्स वेर टू एक्सपेंसिव एंड दैट्स व्हाई ही थॉट ही कुड रिस्टोर दैट रोल टॉप डेस्क गेट रिपेयर्ड बाय हिमसेल्फ एंड ही स्टार्टेड हिज रिपेयरिंग वर्क on the Christmas day, that is on 25th December. So when he was mending, repairing that roll top desk, he pulled out some of the drawers and there was one drawer that was not getting out. That's why he used his fist and he opened that drawer. In that drawer he had seen one secret drawer and there was one steel box and in that steel box there was a letter and that letter was written to Connie by her husband Jim MacPherson. Okay, till this we have seen. Now in this video we are going to see part 2nd page number 6. Let me read out. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing to in our trenches yesterday morning. Christmas morning. It was crisp and quiet all about. As beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. So, as you know, there was a war between German and England, correct? So, during that day, the Christmas day come, that day one of the happiest thing happened. One of the best thing happened. And this Jim MacPherson wanted to tell her why. तो क्रिसमस का डे रहता है, दोनों भी जर्मन और इंग्लैंड की जो आर्मी है वो छुपने का उनका ठिकाना रहता है, वहाँ पर छुपे हुए थे. ओके, ताकि डायरेक्ट अपोजिट पार्टी का फायरिंग की वजह से हमको कोई इंजुरी नहीं होना चाहिए करके, आपने बहुत सारी मूवी में भी देखा होगा. ओके, तो इस तरह से वो अपने अपने ट्रेंचेस पे थे, वो जो छुपने की जगह है जिससे कि अपोजिट पार्टी का हमला होने के बाद वो डायरेक्टली इंजर नहीं होना चाहिए, इसलिए जो सेफ जगह रहती है उसको हम ट्रेंचेस बोलेंगे. ओके, तो उस दिन बहुत ही बढ़िया बात हुई. ओके, तो वो क्या बात हुई अभी हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे. I should like to be able to tell you that we began it. But the truth I am ashamed to share is that Fritz began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas. Tommy, Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you, Fritz, same to you. I thought that would be that. We all did. But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. Don't shoot lads. Lads का मतलब लड़के को बोला जाता है. ओके, someone shouted and no one did. Then there was another threat up on the parapet and another. Keep your heads down, I told the men. It's a trick, but it wasn't. तो उस दिन क्या हुआ कि जो जर्मन के तरफ के जो लोग हैं
आर्मी के लोग जो है उन्होंने हैप्पी क्रिसमस बोला इंग्लैंड वालों को। और ये बोलते वक्त जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ को बोलता है कि मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि हमारी तरफ से होना चाहिए था कि हैप्पी क्रिसमस हमें बोलना चाहिए था, मगर जर्मन आर्मी के तरफ से स्टार्ट हुआ, उन्होंने पहले हैप्पी क्रिसमस बोला। उसमें भी हमको लगा कि ये पैरापिट पे ये जो चढ़े हैं कुछ आर्मी, एक आर्मी चढ़ा है जर्मन की तरफ से, तो ये इनका ट्रिक होगा, तो आप अपने हेड डाउन करो क्योंकि ये लोग हमारे ऊपर फायरिंग करेंगे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था, उनको बस क्रिसमस का हैप्पी क्रिसमस का विश करना था। ओके, वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, इट इज क्रिसमस डे टॉमी, टॉमी इज अ जनरल नेम टू द आर्मी ऑफ द इंग्लैंड वी कैन से। ओके, टॉमी इज नॉट अ नेम ऑफ डॉग, टॉमी यह डॉग का नाम नहीं है, ये जो इंग्लैंड के जो आर्मी रहते हैं उनको टॉमी बोला जाता है जनरल में कॉमनली। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस। बाय दिस टाइम देयर वेयर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। सो व्हाट हैपन दैट डे, कि एक जर्मन जो सोल्जर रहता है वो बॉटल अपने हेड पे रखता है और वो बोलता है कि ये क्रिसमस डे है और क्या हम आपसे मिल सकते हैं। और इस तरह से जो डजन्स ऑफ जो लोग रहते हैं आर्मी के जर्मन के, वो वॉकआउट करते हैं। नो मैन्स लैंड मीन्स गैप, दोनों आर्मीज के बीच की गैप, कि वो जो गैप के थ्रू इनका एक दूसरे के ऊपर हमला होता रहता है, फायरिंग होती रहती है। ओके, कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, तो वो क्या कहते हैं कि कम ऑन बॉयज, हम किस बात के लिए वेट कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और वो जर्मन लोग जो आ रहे थे उनके तरफ, उनको कोई भी स्टॉप नहीं कर रहा था, उनको आने दे रहे थे। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड। मगर ये जो जिम मैकपर्सन था उसको लग रहा था कि ये अपोजिट आर्मी के लोग हैं, ये जर्मन लोग हैं, इन लोगों को हमारी तरफ बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए, उसके मन में ऐसे लग रहा था, फिर भी उसने वैसा नहीं किया, उनको आने दिया। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड अवर्स आई कुड सी मेन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनादर, ग्रे कोर्स खाकी कोर्स मीटिंग इन द मिडल। तो उसने देखा कि जैसे जर्मन आर्मी आ रहे थे वो नो लैंड जहाँ पे बीच की स्पेस, ओके, अपोजिट कंट्रीज के बीच की स्पेस की, जिस स्पेस के थ्रू एक दूसरे के ऊपर वॉर करते हैं। तो उसने देखा कि जैसे जैसे जर्मन आर्मी उनके तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही ये जो इंग्लैंड के आर्मी जो थे वो भी एक एक स्टेप उनके तरफ बढ़ा रहे थे, क्योंकि वो क्रिसमस का डे था। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उसको लग रहा था कि नहीं जाना चाहिए, ये लोगों की चाल हो सकती है, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाया। जिम मैकपर्सन जो कि लीडर था इंग्लैंड के आर्मी का, आई वॉच पार्ट ऑफ दिस एंड ही ऑल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ दैट। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वेयर मेकिंग पीस एंड जस्ट बिकॉज दैट वॉज अ क्रिसमस डे, बोथ द आर्मीज फ्रॉम इंग्लैंड एंड जर्मन दे वेयर मेकिंग द पीस। उस दिन के लिए एटलीस्ट उन्होंने पीस का रास्ता चुना, शांति का रास्ता चुना, कि एटलीस्ट ये क्रिसमस डे को हम लोग एक दूसरे के ऊपर वार नहीं करेंगे और एक दूसरे के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, और क्रिसमस के नेक्स्ट डे से इनका जो वार है वो चलता रहेगा, लाइक दैट। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे, रिमेनिंग वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।